मैंने फिर मैंने घर वालों से बात की, कॉलेज देखने गया, बट मेरे को कॉलेज अच्छा नहीं लगा था। आपके पास फोन लगा के मैंने सीधा कहा यहीं पे आ जाना है मेरे को। नए क्वेश्चन वो कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो करना सीखा मैंने। एनवायरमेंट यहाँ का अच्छा है, अगर आपसे बात करनी है तो तुरंत डायरेक्ट आपसे आप बात कर सकते हैं हम। वहाँ पे मैंने सीनियर से बात किया, उन्होंने कहा सब कुछ अपने आप करना है, प्लेसमेंट वेसमेंट यानी खुद से प्रिपेयर करनी है सब कुछ, बस यहाँ पे। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, आलोक नाथ से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 307 है, जो सोनीपत हरियाणा से हैं। तो सबसे आलोक आपको 307 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सर मेरी यानी 2022 में जर्नी स्टार्ट होती है, जब मैं ऐसे कॉलेज में ऐसी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट किया, आपका एक कोर्स ले लिया था ऑनलाइन का, उसमें मेरी 2200 के अकॉर्डिंग रैंक आई, तो उसमें मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, फिर मैं ड्रॉप लिया। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ले ली थी, उस टेस्ट सीरीज में मैंने यानी PYQ मैंने बिल्कुल भी नहीं किए थे, मतलब PYQ करके क्या होगा, रिपीट तो क्वेश्चन होंगे नहीं एक भी, इसलिए मैंने नए क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, तो उस समय मैं नए कॉन्सेप्ट बनाए, तो मेरी उस समय मेरी रैंक आ गई थी 1300 के अराउंड। उसके बाद मैं मेरी रैंक इसमें यानी उस पर अकॉर्डिंग मेरे को अच्छा कॉलेज मिल नहीं पाया था, मैंने एक छोटा मोटा कॉलेज ले लिया था गवर्नमेंट, उसमें मैंने PU सब कुछ पे कर दी थी। मैंने फिर मैंने घर वालों से बात की, कॉलेज देखने गया, बट मेरे को कॉलेज अच्छा नहीं लगा था, तो कॉलेज मैंने ड्रॉप मैंने कर दिया। मैंने घर वालों से बात किया, कह रहे हैं तेरे को जो पसंद है वो करना है, तो मैंने आपके पास फोन लगा के मैंने सीधा कहा यहीं पे आ जाना है मेरे को, तो घर वाले ने कहा जो करना है कर ले, मैं सीधा यहीं पे आ गया। फिर मैंने यहाँ पे आके देखा कौन यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट बनाए, फ्रेंड्स थे जिनके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बना, नए कॉन्सेप्ट बनाए मैंने, नए क्वेश्चन वो कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो करना सीखा मैंने, तो उसमें मेरी रैंक अभी 307 उसके अकॉर्डिंग आ गई। तो आलोक आप तो भोपाल में आके पढ़े हो, yes. तो भोपाल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? भोपाल में एनवायरनमेंट यहाँ का अच्छा है, सभी कोऑर्डिनेट बड़े अच्छा करते हैं, यहाँ के स्टाफ भी बढ़िया है, अगर आपसे बात करनी है तो तुरंत डायरेक्ट आपसे आप बात कर सकते हैं हम। और जहाँ पे हम रहते हैं यानी यहाँ का सभी फ्रेंड्स भी अच्छे सर्कल है। तो जब आपने लास्ट ईयर कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, तो फिर आपको आप कॉलेज गए थे कुछ? नहीं सर, कॉलेज गए ही नहीं। नहीं सर, क्योंकि आपको क्या लगा क्यों नहीं गए कॉलेज? क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई बच्चे जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं फिर बाद में अफसोस करते हैं। मैंने वहाँ का कॉलेज का एनवायरनमेंट देखा, यानी ज़्यादा अच्छा यानी एनवायरनमेंट लगा नहीं मेरे को, लगा यानी इसे यहाँ पे करने से बजाय किसी NIT में द्वारा एक साल ड्रॉप लेके अच्छी NIT में चला जाऊँ और वहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा मेरे को। वहाँ पे मैंने सीनियर से बात किया, उन्होंने कहा सब कुछ अपने आप करना है, प्लेसमेंट वेसमेंट यानी खुद से प्रिपेयर करनी है सब कुछ, बस यहाँ पे। यहाँ वहाँ पे उस कॉलेज में ज़्यादातर वो थे जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे, एडमिशन लेके गवर्नमेंट जॉब्स की, तो वहाँ से करने का कोई फायदा नहीं लग रहा था, वो जस्ट डिग्री के लिए कर रहे थे। और यही अंतर है कि जब हम कोई अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ लोग उस डिग्री के लिए जाते हैं कि मुझे ये डिग्री लेके जॉब करना है, जब हम कहीं नॉर्मल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ जस्ट लोग इसलिए जाते हैं कि बस डिग्री मिल जाए नाम के लिए, बाकी देखा जाएगा। तो ये बताओ कि आपका जो जब आपने इस बार पेपर दिया तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? इस बार का पेपर में मेरे को ऐसा लगा कि यानी नए कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन आ रहे थे, यानी रिपीट क्वेश्चन हुए नहीं, और वहाँ पे ऐसा था पेपर में ऐसा फील हो रहा था जैसे स्टार्टिंग में मेरे को अच्छा यानी 20 मिनट में मैंने 15 क्वेश्चन से ज़्यादा बना दिए थे, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्लो होके इस बार भी रॉन्ग हुए, बट इस बार का पेपर अच्छा लगा था करने में। पेपर अच्छा था, बस ये था कि पेपर को होल्ड करके करने वाला पेपर था, संभल के करने वाला पेपर था। तो ये बताओ आलोक कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं जूनियर्स को कहना चाहूँगा यहाँ पे आके पढ़ने पे यानी अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, घर पे यानी उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट मिल नहीं पाता है, तो यहाँ पे आके यानी फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा, यानी हमें पता चलेगा हमारे साथ कैसे लोग आ रहे हैं, हम उनके साथ पहले से जानते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपना कॉलेज में पहुँच सकते हैं। तो आलोक कल आपने अवार्ड सेरेमनी अटेंड की, भोपाल में तो आप थे ही, पर जब ये अवार्ड फंक्शन अटेंड किया तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं यानी पहली बार मेरे को अवार्ड मिला था तो मेरे को अच्छा एक्साइटमेंट फील हो रहा था, उसके बाद सबके साथ एंजॉय भी किया, यहाँ पे सबके बारे में सुना, वो मेरे को अच्छा लगा। तो चलो आलोक, अब आपने क्योंकि लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आज आपको लग रहा होगा कि अच्छा रहा उस कॉलेज को कंटिन्यू नहीं किया, करते तो आज ये दिन नहीं मिलता, आपको एक अवार्ड भी मिला, और पर अब आपको आगे लाइफ में और भी बहुत सारे अवार्ड मिलेंगे, ऐसे ही आपको जीवन में आगे भी बढ़ना है, NIT में भी जाके ग्रो करना है, और जितना ज़्यादा हो सकता है एक्सपोजर अपनी लाइफ में लेके आना है। So once again, all the best and congratulations. Thank you.